नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे, आईटीसी लिमिटेड की बात करेंगे। स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 217.30 रुपये में है, 52-week हाई है 265.30 रुपये, और 18 अक्टूबर 2021 को बनाया था। पिछले 2-3 महीने से स्टॉक में गिरावट रही है, नीचे की तरफ आया है। अब तीसरे तिमाही के नंबर्स आ रहे हैं, नतीजे आ रहे हैं थर्ड क्वार्टर के कंपनियों के, और आईटीसी लिमिटेड के भी तीसरी तिमाही के नंबर्स आने वाले हैं। अपडेट आया है एक्सचेंज को, तो इसी के बारे में डिस्कशन और चर्चा करते हैं। और आईटीसी लिमिटेड की बात करते हैं तो निवेशकों को निराशा हाल लगी है, बट ये कि कंपनी के द्वारा डिविडेंड मिलते रहता है, तो इसीलिए निवेशक इसको अपने पोर्टफोलियो में भी रखते हैं। अभी एचयूएल का भी रिजल्ट निकला था, तो अपने ऊपरी लेवल से, अपने हाई से नीचे की तरफ आया था, थोड़ी बहुत उसमें तेज़ी आई है। तो आईटीसी का जो रिज़ल्ट आ रहा है, फाइनेंशियल रिजल्ट आ रहा है, वो आ रहा है 3 फरवरी 2022 को आ रहा है। टू कंसिडर एंड अप्रूव द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द पीरियड इंडेड December 31, 2021 एंड डिविडेंड, कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी मिल सकता है। ये डिविडेंड दोस्तों क्या हो सकता है, लगभग 5 से 6 रुपया, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो कंपनी के द्वारा डिविडेंड दिया जाएगा, थोड़ी बहुत स्टॉक प्राइस में भी हलचल बढ़ सकती है। डिविडेंड के लिए बहुत सारे लोग खरीदारी भी करते हैं, और जिन निवेशकों के पोर्टफोलियो में आईटीसी लिमिटेड है, तो अगर हम शेयर प्राइस को इसके देखते हैं, जैसे अगर किसी ने पिछले 1 साल से किसी ने रखा है या 3 साल से स्टॉक को रखा है, दोस्तों वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए, बेल आइकन को प्रेस करें नए नए वीडियोज़ के लिए। तो 3 साल का जो रिटर्न है 25% माइनस है दोस्तों, और पिछले 3 साल में देखिए स्टॉक, पिछले 3 साल में बड़ी हलचल रही है इंडेक्सेस में। जैसे कि निफ्टी 50 देखिए लगभग 7,500 तक आया था और बढ़कर 18,300 तक पहुंच गया, और आईटीसी का स्टॉक भी नीचे की तरफ आया था, वहां से तो ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। बट ये कि 3 साल के अनुसार जिन्होंने स्टॉक को ले रखा है, तो 25% का माइनस रिटर्न है। 1 साल की बात करते तो इसी के आसपास कारोबार कर रहा है, अगर किसी ने पिछले साल लिया होगा तो स्टॉक इसी के आसपास कारोबार कर रहा है। 3 महीने का रिटर्न 11% माइनस है। तो कहने का मीन्स ये है कि जिन्होंने लंबे समय के लिए भी रखा है, 1 साल 3 साल के लिए भी, निराशा हाल लगी। बीच बीच में मूव आते रहते हैं आईटीसी से, और काफ़ी खबरें हैं, डीमर्जर की खबरें हैं, बट ये है कि अभी तो नुकसान ही दिख रहा है पिछले 3 साल से। और डिविडेंड निवेशकों को ज़रूर मिलता है जिन्होंने निवेश किया है। और ट्रेडिंग बेट के लिए बात करेंगे तो हर तिमाही इसमें थोड़ी बहुत गिरावट आती है, थोड़ा फिर जंप होता है। फिलहाल जो रिजल्ट आ रहा है 3 फरवरी 2022 को आ रहा है, डिविडेंड भी मिलेगा निवेशकों को। अब ये रिजल्ट किस तरह का रह सकते हैं उसको देख लेते हैं, ब्रोकरेज हाउसेस का क्या अनुमान है, कितनी ग्रोथ रह सकती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से और साल दर साल के हिसाब से। दोस्तों ब्रोकरेज हाउसेस का जो अनुमान है आईटीसी का Q3 के नंबर्स के लिए, तो 3,713 करोड़ का नेट प्रॉफिट रह सकता है, 9.7% अप रह सकता है ईयर ऑन ईयर, 4.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से अप रह सकता है दोस्तों। तो 3,713 करोड़ का नेट प्रॉफिट रह सकता है। अगर हम नेट सेल्स की बात करते हैं तो ब्रोकरेज हाउसेस का जो अनुमान है वो 14,844 करोड़ का रह सकता है नेट सेल्स, और 7% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से अप, और 1.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से। तो ये अनुमान है दोस्तों, और सेल्स भी अप रह सकता है 7% का साल दर साल के हिसाब से, बट ये कि क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो 1.8% का रह सकता है नेट प्रॉफिट, जो है 3,713 करोड़ का रह सकता है। अगर हम इबिटा की बात करते हैं तो 5% राइज रह सकता है ईयर ऑन ईयर, और 0.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से रह सकता है, 5,017 करोड़ का रह सकता है दोस्तों इबिटा। सेल्स जो रह सकता है Q3 के नतीजे में 14,844 करोड़, और प्रॉफिट जो रह सकता है 3,713 करोड़ का। और अनुमान से अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो आईटीसी में एक तेजी रहेगी। फिलहाल ये ब्रोकरेज हाउसेस का अपना अनुमान है दोस्तों। तो दोस्तों ये ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है आईटीसी लिमिटेड के Q3 के नंबर्स के लिए, थर्ड क्वार्टर के नंबर्स के लिए। दोस्तों मार्केट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।